5:30 बजे पहुंचाने जा रहे हैं। चलिए तो खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ज़ंस्कार की। ज़ंस्कार आज देश और दुनिया के साथ डिजिटली कनेक्ट हुआ है। जियो टेलीकम्युनिकेशन की जानिब से ज़ंस्कार के आवाम के लिए आज टेलीकम्युनिकेशन प्रोवाइड किया है, टावर प्रोवाइड किया है। इससे ज़ंस्कार के लोगों में काफ़ी खुशी देखी जा रही है। इस मौके पे मेंबर पार्लियामेंट लद्दाख के साथ साथ जियो टेलीकम्युनिकेशन के अमला भी ज़ंस्कार में मौजूद थे। इनॉग्रेशन के मौके पे ज़ंस्कार में जियो नेटवर्क मिलना शुरू हुआ और अभी हम एक ही साइड से इनॉग्रेट जो कर रहे हैं, इसी के साथ साथ पादुम का, अक्षो का, अभरन का, टोटल एक साइड से 4 टावर का आज इनॉग्रेशन हुआ है। इसके बाद रंगदूम का भी होगा, आगे परखाचिक का भी होगा। केवल ज़ंस्कार इलाके में टोटल जियो का 12, जहां तक मेरे जानकारी है 12 नेट टावर आएगा। 12 में से 11 जो है अंडर USOF है। तो ये सारा बाकी रिमाइनिंग जो टावर्स जो है, हमारा कोशिश ये है, मेरे इनके जियो टीम से भी मैंने निवेदन किया है, जो आने वाले इसी 1-2 महीने में वो सारा कंप्लीट होकर लोगों को हम नेटवर्क दे पाए, क्योंकि नेटवर्क आज के दुनिया में एक ऐसा एक इम्पोर्टेंट ज़रिया है। चाहे वो आज लॉकडाउन के टाइम पे अगर देखें तो लोगों के एजुकेशन, बच्चों के इंट्रेंस एग्जामिनेशन, इंटरव्यू, सब चीज़ जो है ऑनलाइन हो रहा है। और साथ ही साथ किसी मरीज को यहाँ से हॉस्पिटल ले जाना हो, किसी घर में कोई तकलीफ आए, तो बिना टेलीकम्युनिकेशन से हम उम्मीद ही अंदाज़ा ही नहीं कर सकते। तो ऐसे स्थिति में और ज़ंस्कार वो भी मैं नहीं कहूँगा कि लद्दाख का ही, पूरे भारत का एक मोस्ट बैकवर्ड एंड फार फ्लंग एरिया जो है, यहाँ पे जियो रिलायंस ने जो आज सर्विस दे के जो काम किया है, मैं समझता हूँ ये एक तरीके से एक चमत्कार भी हम इसको मान सकते हैं। क्योंकि ऐसे इलाके में जियो रिलायंस जो भारत सरकार के सपोर्ट के माध्यम से यहाँ आके लोगों को जो सेवा दे रहे हैं, मैं बहुत एक बार फिर से यहाँ के निवासियों को बधाई देते हुए और जियो कंपनी को और उनके पूरे टीम मेंबर को धन्यवाद देते हुए भारत सरकार को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। एज ए डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट BJP ज़ंस्कार और एज ए काउंसिलर मैं अपना मेंबर पार्लियामेंट श्री जमयांग श्री नामजद जी को धन्यवाद देना चाहूँगा। जियो के जितने ऑफिसर आज पधारे हैं और हमारे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के कॉपरेशन से ये जो कोविड के दौर में ये चीज़ होना जो है हमारे लिए एक चमत्कार की बात है, क्योंकि कोविड की वजह से हमें बाहर से जो लेबर लाना हो, टेक्नीशियन लाना हो, इंजीनियर लाना हो, इसमें बहुत सारी दिक्कतें आया। उसके बावजूद आज 4 टावर ज़ंस्कार का जो इनॉग्रेट अभी भी हुआ है, तो उस चीज़ के लिए ज़ंस्कार के आम आदमी सभी को मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा और साथ ही साथ में जमयांग श्री नामजल जी, हमारे जियो के जितने टीम है उन सबको धन्यवाद देना चाहूँगा, भारत सरकार को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। और आने वाले दिनों में लुंगनांग में अभी 4-5-7 टावर हमने इनोग्रेट करना है, उसका भी काम अभी चल रहा है, कोशिश रहेगा इसी सर्दी में हम इसको कंप्लीट करें। थैंक यू। मौसम सरमा की आमद है। वहीं इधर द्रास की बात करें, द्रास दुनिया का दूसरा सर्दतरीन इलाका माना जाता है और द्रास के आवाम विंटर के आमद होते ही एडमिनिस्ट्रेशन से, हुकूमत से दरख्वास्त कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि विंटर के माह में मेडिकल के हवाले से उनको फैसिलिटी की मुहैया किया जाए, ख़ासकर डॉक्टर और डॉक्टरों में गायनोकोलॉजिस्ट जो है विंटर में उनके लिए मुहैया होना चाहिए, क्योंकि पिछले सालों में द्रास के आवाम को डॉक्टर और गायनोकोलॉजिस्ट न होने की वजह से काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। हम बताते चलें आपको कि अब विंटर का मौसम जो है स्टार्ट हो चुका है, तो ख़ासकर हम बात करेंगे द्रास द सेकंड कोल्डेस्ट इनहेबिटेड प्लेस इन द वर्ल्ड, क्योंकि बहुत सारे मुश्किलात का सामना करना पड़ता है खित्ते लद्दाख को और खुसूसन द्रास को, क्योंकि सर द्रास की हम बात करें यहाँ सबसे ज़्यादा मुश्किलात हमें पड़ता है मेडिकल में, क्योंकि मेडिकल में जो है हमारे गेनो जो डॉक्टर है उसका बहुत सारा यहाँ पे क्राइसिस रहा है पिछले काफ़ी दिनों से, क्योंकि हमने काफ़ी डिमांड किया है कि हमें गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर जो है हमें मतलब विंटर के टाइम पे हमें बहुत ही ज़रूरत होता है उसका, क्योंकि जब विंटर में अगर कोई वगैरह होता है तो लेडीज़ को बहुत सारा प्रॉब्लम आ जाता है माध्यम से, कि ख़ासकर हमारा इस हेल्थ सेक्टर को अच्छे से अच्छे, यहाँ सर्दी का मौसम जो है डस्ट कर दे चुका है, यहाँ हमें कम से कम 4-5 फीट बर्फ़ के अंदर झेलना पड़ता है, तो इस लिहाज से हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हमें हेल्थ की होती है। ये आज ही की बात नहीं है, बहुत सालों से हम इस चीज़ के लिए खासकर सर्दियों में बहुत परेशान हैं, खासकर यहाँ हमारी जो
प्रेगनेंस औरतें होती हैं उन्हें यहाँ गायनेकोलॉजिस्ट की सख्त प्रॉब्लम होती है, और यहाँ से कारगिल भी बीच बीच में बंद रहता है। आगे श्रीनगर जिला की तो बात ही नहीं हो, तो हम 6 महीने के लिए कटा। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा ज़रूरी और ज़्यादा प्रॉब्लम ही हमें गायनेकोलॉजिस्ट की होती है, उसका इंतजाम होना। चलिए, आपने लोगों की बात सुनी। इस खबर पर मजीद तफसीरात के लिए हमारे साथ जुड़े हैं मुदस्सिर अहमद। मुदस्सिर, क्या कुछ जानकारी है द्रास के हवाले से, क्योंकि द्रास दूसरा सर्दतरीन दुनिया का इलाका है और लोगों को कहीं ना कहीं ठंड की वजह से भी काफ़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है, तो विंटर में किस तरह की फैसिलिटी गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड करना अहम है प्रायोरिटी बेसिस पे? द्रास में, द्रास में हमने आम लोगों से जानने की कोशिश की, तो द्रास के लोगों की सबसे बड़ी जो डिमांड रही है, क्योंकि विंटर नजदीक है और ऐसे में आप सब जानते हैं द्रास पूरी दुनिया से कट जाता है, और ऐसे में उनके पास मेडिकल फैसिलिटीज बहुत ज्यादा अहमियत रखती है, क्योंकि द्रास वो इलाका है जहाँ पे जब ज्यादा बर्फबारी होती है, तो उस दौरान द्रास में हेडक्वार्टर कारगिल जो जिला है वहाँ पे भी 3 से 4 या 1 हफ्ते तक के लिए भी रोड बंद रहता है। ऐसे में लोगों का मानना है की वहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी और वहाँ पे मेडिकल स्टाफ का होना बहुत जरूरी है, जिसमें खासकर लोगों का यह मानना है कि एक गायनेकोलॉजिस्ट का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी मौसम खराब होता है या रोड बंद हो जाता है, ऐसे में जो पेशेंट है उनको कारगिल रेफर नहीं किया जा सकता है। और हालांकि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इस बात की कारगिल के दौरे पर ये एश्योरेंस दिया गया है कि उनको यहाँ पे फुल फैसिलिटीज एम्बुलेंस दिया जाएगा, जिससे तुरंत जो है पेशेंट को कारगिल शिफ्ट किया जा सकता है। लेकिन ऐसे में जब एक हफ्ते तक के लिए आपके रोड क्लोज हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, तो उस वक्त जो परेशानी है वो ज्यादा बढ़ सकती है, इसलिए लोगों की ये बड़ी डिमांड रही है वहाँ पे। मुदस्सिर, मैं साथ साथ जानना चाहूंगा, जिस तरह से लोगों की एक डिमांड है कि विंटर में वहां पे फुल मेडिकल फैसिलिटी लोगों को प्रोवाइड किया जाए, इस वक्त क्या स्थिति है, इस वक्त किस तरह के हालात है हॉस्पिटल में, क्या वो फैसिलिटीज लोगों को मुहैया किया जा रहा है जो लोगों तक पहुंचना चाहिए? जाके कोशिश की है यहाँ पर जाने के लिए, यहाँ पे डॉक्टर्स हैं लेकिन यहाँ पे फिजिशियंस नहीं है, यहाँ के लोगों की बड़ी डिमांड रही है, फिजिशियन नहीं है, गायनेकोलॉजिस्ट नहीं है, यहाँ पे डेंटल आपके लिए प्रोवाइड है, और बहुत सारे जो वैकेंसी है स्टाफ है उनकी कमी है, लोगों की बार बार डिमांड रही है, बार बार अपील भी की है और अभी तक वो डिमांड पूरी नहीं हुई है। हमने बार बार जाने की कोशिश की है लोगों से, और इस बार भी लोगों की यही अपील है कि विंटर जो है आप विंटर की आमद भी है, लोग जो है आप विंटर जो है नजदीक से। चलिए मुदस्सिर, हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप खबरों पे नजर बनाए रखिए, क्योंकि विंटर की आमद है और विंटर में लोगों को गुनागों मुश्किलात से दो चार होना पड़ता है। साबिका मिनिस्टर सोनम वंगेल के यौम वफात के मौके पे लेह के अंदर सोनम वंगेल मेमोरियल सोसाइटी की जानिब से उनकी वफात के मौके पे जबरदस्त खिराज अकीदत पेश किया। इस मौके पे लेह जिले के पॉलिटिकल लीडर्स के साथ साथ रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस और उनके फैमिली मेंबर्स भी मौजूद थे। याद रहे कि ये लेट सोनम वंगेल का 22वां यौम वफात है और उन्होंने लेह जिले को जम्मू कश्मीर में रिप्रेजेंट किया है और साबिका मिनिस्टर भी रह चुके हैं। वहीं आज उनके यौम वफात के मौके पे ईजीएम कॉलेज लेह के स्टूडेंट्स और फैकल्टी मेंबर्स को कोविड-19 के महामारी के चलते प्रोटेक्टिव गियर्स भी प्रोवाइड किया गया। Tongjak teng isu sakmis pa stia lang atang sang aika zoma jate no mija changmala tukyu sino ki i tongjak po ngatama apa sunawangel memorial society chosne ngal lama cheche gas gas nyampo inna ngatanga chorte nika stia jate pe talo कोविड-19 ही नियम बे जास्ते यंग यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ही
kakhyap spilkan nangjin tene mi mangpo zumche si ka garja salti okya tene daksa yi covid 19 go daksa marante ladak sina mata pelin jikta yote no so pasan te sang na nange na ma porte UT administration ni kakhyap laglen choste tene talo aba sunawangel memorial society naji meeting ji na tene thapchat nin pin ki talo natang yu tuspa jik mane natang mirsi kia juna yang mi mang pek jom na tene natang yang inat ko natang pelches is cups maa arik duk zirte tene te pia talo ma tuspa jik mane naji yu marsis pin ju te tus la kazane natang ladak sinanga natang silches is cups school a chaches is cups ma nyun mane yomet pin te zane tene apa sunawangel khoran barsom zate स्कूलिंग जाते ते तिंगे श्रीनगर ला एजुकेशन नाम से ते तू सिंगताई लीडर छोसी उसक्यों जुनांग मताई सीधी उसक्यों जुनांग कब्जे बकुला रिंगबोचे उजुक सिनांग अब सुनावंगिया ले चकला स्वा मंगपोजिक मताई लदाख सी मिमांग सिपिया जातो अब वंगिया तेज आने गुमारंग तेने MLC Ladakh ne juk sa jato tel ting ne yang MLA thangpok ngis jate tene nga ta gelkhak Jammu Kashmiri nga ta minister si kose ka juk se on Ladakh si mimangs la japshi gangshan लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाए जाने के बाद लद्दाख के आवाम बहुत सारे चीज़ों को लेके यूनियन गवर्नमेंट से डिमांड कर रहे हैं, दरख्वास्त कर रहे हैं। वहीं लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाए जाने के बाद लद्दाख के अंदर जो पॉलिटिकल लीडर्स के साथ साथ पब्लिक जो लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके जानिब से लद्दाख में एक हज कमेटी बनाने को लेके यूनियन गवर्नमेंट से दरख्वास्त की है और ख़ासकर मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स से दरख्वास्त की है। सैयद अब्बास रिजवी LHDC कारगिल में फॉर्मर एग्जीक्यूटिव काउंसलर रह चुके हैं, उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स मुख्तार अब्बास नकवी से अपील करते हुए कहा है कि कारगिल के अंदर हज कमेटी तश्कील दिया जाए। इस खबर पे मजीद बात करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हैं सैयद अब्बास रिजवी, जो कि फॉर्मर एग्जीक्यूटिव काउंसलर रह चुके हैं LHDC कारगिल में और इस वक्त सिटिंग काउंसलर हैं सुरू वैली के। सैयद साहब, आपने रिक्वेस्ट किया है, डिमांड किया है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स से कि लद्दाख में एक हज कमेटी तश्कील दिया जाए, क्या कहना चाहेंगे? यूनियन टेरिटरी लद्दाख बनाए जाने के बाद इस वक्त लद्दाख में हज कमेटी नहीं है और हज कमेटी की कितना अहमियत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले शाह साहब मैं आपका बहुत मशकूर हूँ, साथ ही साथ गुलस्तान न्यूज चैनल का भी, क्योंकि आज आपने मुझे मौका दे दिया इसके जरिए कि लोगों को कितना हज कमेटी की अहमियत के बारे में। एक्चुअली इसाक साहब जिस वक्त मैं एग्जीक्यूटिव काउंसलर था, अनफॉर्चुनेट में दिल्ली में पहुंचा था, तो पिछले मार्च की बात है, तो मैंने यही सोचा वहाँ जाते जाते कि नकवी साहब से मिलके और यहाँ माइनॉरिटी का एक केयर पर्सन भी है जो नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज का है, उनको मैंने अपने लेटर पेज पे ये दिया हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हज कमेटी इन यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। तो अब जम्मू कश्मीर से हम अलग होने के बाद हम चाहते हैं कि यूटी लद्दाख के हिसाब से भी हमारा यानी लद्दाख में जो एक हज कमेटी बनाया जाए, तो खासकर मैंने उसमें अहमियत दिया हुआ पॉपुलेशन जो मुस्लिम का है वो डिस्ट्रिक्ट कारगिल का है, तो सेंटर जो है वो कारगिल में ही होना चाहिए। ये मैंने अपने जाती खुद जब मैं दिल्ली में पहुंचा तो इस मुद्दे को मैंने वहीं पे उठाया था। इसक साहब जी, तो सईद साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा क्योंकि लद्दाख से बहुत बड़े तादाद में लोग हज के लिए जाते हैं, पिलग्रिमेज के लिए जाते हैं, तो इस वक्त हज कमेटी का होना कितना अहमियत है और इस वक्त जिस तरह से लद्दाख के अंदर हज कमेटी गवर्नमेंट की जानिब से फिलहाल नहीं बनाया है, इससे हमारे हाजियों के लिए कितना दुश्वारियों का सामना करना पड़ सकता है और आप क्या अपील करना चाहेंगे एक बार फिर हमारे चैनल के माध्यम से कि हज कमेटी कितना इम्पोर्टेंट है?
यही हिसाब से मैंने पहले कहा, पहले तो आपका मशकूर हूँ मैं आपके वसादत से, यानी पहले सेंट्रल गवर्नमेंट से, इसके बाद यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख हमारे एलजी साहब से हम गुजारिश करते हैं, अब हमारा यूटी लद्दाख बनने के बाद हज कमेटी जो है ज्यादा से ज्यादा मुद्दत में कम वक्त में ये तश्कील दिया जाए, क्योंकि हमारे करगिल और लेह के जो लोगों को है ज्यादातर दिक्कत इसी की वजह से होता था कि कमेटी नहीं बनने की वजह से बहुत सारे दिक्कतें हो गई हैं। लिहाजा मैं यही कहूंगा, मेरा यही कोशिश रहा भी कि एज एग्जीक्यूटिव काउंसलर हो चाहे काउंसलर हो, जब भी मैं दिल्ली जाता हूँ कुछ न कुछ मुद्दे उठा के आता हूँ, तो इसीलिए मैंने इसको अहमियत देते हुए मार्च में मैंने लेटर को सबमिट किया है, अभी तक इस पे शायद रिप्लाई भी नहीं आया है मेरे हिसाब से। तो आज आपने बहुत अच्छा मौका दे दिया, आपकी वसादत से मैं पहले तो इंडिया गवर्नमेंट से, उसके बाद अपने यूटी लद्दाख एलजी साहब उनके अमले से को जरूर कहूंगा कि इसको ज्यादा से ज्यादा कम मुद्दत में तरजीह देके कमेटी बना के हमारे लेह और करगिल के लोगों का मुश्किल जो है वो आजाला जो है वो ज्यादा से ज्यादा वक्त में किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया सैयद साहब हमारे साथ बात करने के लिए, शुक्रिया। कोविड की कहर लगातार जारी है, देश और दुनिया की तरह लद्दाख में भी इन दिनों कोविड के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। लद्दाख के लेह जिले में पिछले कई दिनों से कोविड 19 के महामारी के चलते कोविड 19 के पॉजिटिव केसेस का आंकड़ा तादाद लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त लेह के अंदर 600 से जायद कोविड 19 के पॉजिटिव केसेस हैं और कारगिल में 100 से जायद कोविड 19 के पॉजिटिव केसेस हैं। इसको लेकर लद्दाख के आवाम में काफी खौफ हरास एक बार फिर देखी जा रही है। वानों के हुनर को निखारने के लिए 15 रोज प्ले ओरिएंटेड थिएटर वर्कशॉप रंथक थिएटर ग्रुप की जानिब से कारगिल में ऑर्गेनाइज किया। इस मौके पे चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर कारगिल फिरोज अहमद खान चीफ गेस्ट के तौर पे मौजूद थे। उन्होंने रंथक थिएटर ग्रुप के डायरेक्टर को सराहते हुए कहा कि आने वाले वक्त में बडिंग आर्टिस्ट को एलएचडीसी की तरफ से फाइनेंशियली फुल सपोर्ट करने की बात की और साथ ही साथ लद्दाख आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेज की जानिब से इस तरह के प्रोग्राम आने वाले वक्त में भी लद्दाख के अंदर खासकर कारगिल और लेह के अंदर किया जा रहा है। प्ले प्रोडक्शन वर्कशॉप एकेडमी की जानिब से हुआ है, ये भी एकेडमी का जो बहुत से एक्टिविटीज है उनमें से एक एक्टिविटीज है। कोविड 19 के चलते हम इस बार इतना एक्टिविटीज़ कर नहीं पाए, लेकिन हमने ये देखा सीखा कि कोविड 19 के साथ हमें जीना है, उसके साथ रहना है, तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए SOP को देखते हुए हमने ये एक इनिशिएट लिया और बच्चों की जितने भी उनमें टैलेंट छुपे हैं उनको निखारने की एक कोशिश की हमने और ये 15-day प्रोटेक्शन की आज और एक इख्तिताम तक पहुँचा है, जिसमें हमने ऑनरेबल CC साहब चीफ गेस्ट थे, एग्जीक्यूटिव काउंसलर साहब गेस्ट ऑनर थे और जो इन्होंने पहले किया रंटक थिएटर ग्रुप ने, क्योंकि हमें पता है हमारा नया ऑडिटोरियम जो है वो मतलब पुराना वाला रिन्यूड हो रहा है, तो हमारे पास स्पेस की कमी था, इसी स्पेस को लेकर उन्होंने हमारे कब्र पर एक अच्छी सी प्ले की, तो सोसाइटी की जो बुराई हैं उनको उन्होंने टच किया और समाज को मैसेज दिया। तो इस तरह का प्रोग्राम हम हमेशा करते आ रहे हैं और करते आएंगे। आने वाले दौर में हम वीकेंड कल्चर एक्टिविटीज़ प्रोग्राम कर रहे हैं गांव-गांव जाकर, ब्लॉक-ब्लॉक जाकर। तो कल्चर टीम का हमेशा ये मैंडेटरी रहा है कि जितने भी हमारे आर्ट कल्चर लैंग्वेजेस है उनको प्रमोट करें और हमारे जो बडिंग राइटर्स हो आर्टिस्ट हो उनको प्लेटफॉर्म दें। तो वो हमें यहाँ पे देखने को मिला, जिससे हमें ये एहसास हुआ कि हमारे यहाँ पे कितने टैलेंटेड बच्चे हैं और कितने खूबसूरती से वो अपने टैलेंट को यहाँ पे आज उन्होंने इजहार किया। जो प्ले हमने यहाँ पे देखा इसमें हमारे समाज में जो बुराइयाँ हैं उसकी अक्कासी करते हैं, और प्ले मैंने पहले भी कहा आपका ड्रामा जो है ये एक आईने की तरह है, जो अपने हमें अपने में जो कुछ चीज़ें हैं वो हमको आईने की तरह दिखाता है। तो इससे क्या होगा, आपका जो हमारे समाज में जो हमारी खामियां हैं जो बुरी चीज़ें हैं उनको जब रिफ्लेक्ट करता है तो लोगों को उसको सुधारने का भी मौका मिलता है। तो मैं चाहूँगा कि ऐसे प्ले और भी हो। अभी यहाँ पे हमारे यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की थोड़ी कमी है, लेकिन तब भी उन्होंने काचो साहब ने इसको बहुत ही खूबसूरती से इसको यहाँ पर वाकई एक थिएटर की तरह सजाया था। तो अभी बहुत जल्दी हमारा जो ऑडिटोरियम हॉल है वो बनने जा रहा कंप्लीट होने वाला है, उसका रिनोवेशन उसको हम बहुत खूबसूरती से रिनोवेट करेंगे ताकि ऐसे जो ड्रामे हैं इवेंट्स उनको प्रमोट किया जाए। और बहुत जल्दी हमारे यहाँ पे कन्वेंशन सेंटर बनने जा रहा है जिसके लिए हमारे पास 38 करोड़ रुपये आया है, उसको भी हम बड़े खूबसूरती से जल्दी तैयार करेंगे ताकि हमारे यहाँ पर जो टैलेंट छुपा है हमारे लोगों में उसको प्रमोट करें और हमारे यहाँ पे जो टैलेंटेड बच्चे हैं वो नेशनल इंटरनेशनल लेवल तक अपने बेहतरीन मुजाहरे कर सकें। और हम चाहेंगे आने वाले सालों में एक कल्चरल एक्सचेंज हो जो यहाँ से ले यहाँ से दिल्ली वगैरह भी जाके
अपना जो परफॉर्मेंस है वो दिखाएं, तो मुझे बहुत खुशी हुई आज यहाँ पे इस शो को देख के, जिसके लिए मैं कल्चरल एकेडमी को मुबारकबाद पेश करता हूँ, खासकर जो हमारे प्रोड्यूसर और डायरेक्टर हैं काचो साहब। खासकर जिस तरह से रंतक थिएटर को पिछले कई सालों से लगातार बेहतरीन मुजाहरे कर रहे हैं, थिएटर को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, LIGC कारगिल की जानिब से किस तरह की अहम कोशिश रहेगी रंतक थिएटर ग्रुप को बूस्ट करने की? मैंने पहले ही कहा आपका, रंतक थिएटर जो है पहले ही जब जब यहाँ पे हमारे यहाँ पे सोसाइटी में कोई इवेंट आ जाता है तो उसको हमेशा से ये लोग समाज में ले जाते हैं थ्रू सोशल मीडिया या किसी भी जरिए। जब हमारे यहाँ पे इलेक्शन हो रहे थे उस वक्त भी इन्होंने लोगों को अवेयर किया था कि आप अपने वोट को ज़ाया मत कीजिए। अभी पेंडेमिक के दौरान हाइजीन पे लोगों को ये जानकारी दिया कि किस तरह से हमें जो है इस पेंडेमिक का मुकाबला करना है। सबसे बड़ी खूबसूरती इनमें ये है कि अपने लोकल लैंग्वेज में, एक लेमन लैंग्वेज में ये लोग को अपने छोटे छोटे मैसेज देते हैं ताकि आम लोग भी इसको समझ सकें। तो हमारी भरपूर कोशिश है, मैंने पहले भी कहा कि इनको प्रमोट करने के लिए हमने ऑलरेडी एक हेड जो है कल्चरल एकेडमी में बजट में रखा हुआ है जो ऐसे सोसाइटीज़ और ऐसे ग्रुप्स को प्रमोट करने के लिए। तो हमारी तरफ से इनको फुली जो है स्पॉन्सर करेंगे हम। अभी मैंने यहाँ पर इनको हिदायत दिया कल्चरल एकेडमी को, ये कल मुझे अपना प्रपोजल और अपना रिकमेंडेशन देते, तो जो भी फाइनेंशियल सपोर्ट है वो हम इनको दे देंगे। सबसे पहले तो ये 15 दिन के थिएटर वर्कशॉप जो है कल्चर एकेडमी लद्दाख कल्चर एकेडमी ने जो ये चलाया था उसके लिए हम बहुत मशहूर हैं। बाकी सरकार के लिए हमारा यही गुजारिश है कि इस तरह के वर्कशॉप जो है वो होता रहना चाहिए थिएटर एंड एजुकेशन में या थिएटर में, तो आगे भी मतलब इस तरह के थिएटर वर्कशॉप चलते रहेंगे। तो हमारा बहुत सारे ऐसे पार्टिसिपेंट है जो मतलब थिएटर सीखना चाहते हैं, अपनी आवाज़ को उठाना चाहते हैं। थिएटर एक ऐसे माध्यम है जो अपने आवाज़ को, अपने साथ जो भी अच्छाई बुराई हो रहा है उसके आवस में या क्या बोलते हैं उसके, वो एक मीडियम है तो आगे रख सकते हैं। मतलब अपना जो क्या बोलते हैं, मतलब जिस जिसके अंदर जो भी टैलेंट है, जो भी हुनर है, उसको आगे पहुंचाने के लिए थिएटर एक ही ऐसा मीडियम है या जरिया है जो आगे पहुंचा सकते हैं। रंतक थिएटर ग्रुप की जानिब से किस तरह की कोशिशें रहेगा आगे भी इस तरह के काम और हुनर को आगे निखारने के लिए स्टूडेंट्स? रंतक थिएटर ग्रुप जो है बहुत पहले से इस तरह के काम कर रहे हैं, ख़ासकर हमारे यहाँ के जो मतलब ट्रेडिशन है या यहाँ के कल्चर है उसको बढ़ावा देने के लिए रंतक थिएटर ग्रुप जो हो बहुत अच्छे कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं अभी ये रिवील करना नहीं चाहता हूँ कि विंटर के लिए हमने बहुत अच्छा एक प्रपोजल रखा है, इंशाल्लाह वो हम CC साहब या हमारे एडमिनिस्ट्रेशन से आगे दरख्वास्त करेंगे कि शायद इस प्रोजेक्ट में थोड़ा सा मदद करें। आज यहाँ पे लद्दाख एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेज की जानिब से 15 डेज प्ले प्रोडक्शन ओरिएंटेड थिएटर वर्कशॉप का आखिरी दिन था और इसमें लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरमैन और चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसिलर फेरोज साहब और एग्जीक्यूटिव काउंसिलर जनाब अली चंदन साहब यहाँ पे मेहमान की हैसियत से मौजूद थे। इस पूरे प्रोडक्शन थिएटर वर्कशॉप को यहाँ पे डायरेक्ट किया था काचो अहमद खान, जो NSDIT है कारगिल से पहला और वाहिद NSDIT है। इन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से बच्चों को यहाँ थिएटर के मुतालिक बेसिक कॉन्सेप्ट्स वगैरह यहाँ पर इस 15 रोज़ा वर्कशॉप में बच्चों को समझाया और बच्चों के भी बहुत अच्छे पार्टिसिपेंट्स के रेस्पॉन्स थे। और आखिरी दिन एक प्ले जो पूरी लोकल जबान में यहाँ पे प्ले किया गया रोंगखंग के नाम से, जिसमें डूम्स डे का पूरा सिचुएशन यहाँ पे डिपिक्ट किया गया था। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो इस पूरे प्ले से हमें यहाँ पर ये उम्मीद जाहिर हो रहे हैं कि यहाँ के लोकल कल्चर और इथॉस को रिवाइव करने के लिए, दोबारा ज़िंदा करने के लिए थिएटर प्रोडक्शन यहाँ पर एक बहुत अहम रोल अदा कर सकते हैं। इसको लेकर के हमारे काउंसिल के सरकार ने भी यहाँ पर यकीन दहानी दिलाई है कि आइंदा आने वाले वक्त में थिएटर के इस को खुसूसी तवज्जो दिया जाएगा। तो ये उम्मीद यहाँ के अदीब, यहाँ के शायर, यहाँ के जितने भी आर्टिस्ट लोग हैं इनमें ये उम्मीद पैदा हो गई है कि आने वाले वक्त में किसी न किसी तरीके से थिएटर के मुतालिक यहाँ पे स्पेस, यहाँ पे वसी मैदान फराहम होंगे। जी, मैंने ये जो थिएटर जो है वो फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है। थिएटर जो है हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है,
क्योंकि हम समझते हैं, मतलब हम समझते और सोचते तो बहुत कुछ हैं, लेकिन उसको समाज तक पहुंचाने का एक अच्छा तरीका हमारे पास नहीं होता है। अगर हम थिएटर ग्रुप का जो ट्रेनिंग होगा वो लेंगे तो हम जो सोचते हैं उसको अच्छे अंदाज में हम लोगों तक पहुंचा सकते हैं। मैं इनकी जितनी तारीफ किया कम है कि आज तक मेरे ज़िंदगी में इतने पिक्चर देखे हैं, इतने मैंने ड्रामा देखे हैं, बहुत सारे मैंने आर्टिकल भी लिखे, लेकिन आज हमारे लड़कों ने ऐसा रोल अदा किया मुझे बिल्कुल इतनी उम्मीद नहीं थी। तो मुझे पूरा 100% श्योरिटी है, क्योंकि आजकल जो है एक्टर बनते, जैसे सलमान खान बना, आमिर खान बना, तो ये जो है मुंबई में पैदा हो गए तो बड़े बड़े एक्टर बन गए, क्योंकि हमारे ये आर्टिस्ट इस यानी हिमालय की चारदीवारी के अंदर पैदा है। आज मैं इस कदर खुश हूँ कि हमारे ये इन आर्टिस्टों ने इतना कमाल दिखाया। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये जो है आगे नेशनल तो क्या इंटरनेशनल लेवल तक भी हमारे ये जो है आर्टिस्ट जा सकते हैं। हमारे पास इतनी अच्छी जो है हमारे पास कैपेबिलिटी है, हम इनके साथ बहुत उम्मीदें वाबस्ता रखते हैं और आप लोगों का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं, खुसूसन गुलिस्तान न्यूज़ बाकी चैनल्स का, क्योंकि आप लोग हमारे यहाँ के इस हिमालय की इस पहाड़ों में जो चीज़ होती है वो दुनिया के सामने पेश करके यहाँ के लोगों की हौसला अफजाई करते हैं और हमारे यहाँ हालात से दूसरे दुनिया को जो है बाखबर करते हैं। हम आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। आज के लद्दाख बुलेटिन में इतना ही, कल से हर रोज शाम 5:30 बजे गुलिस्तान न्यूज पे लद्दाख से खबरों के बुलेटिन लेके फिर से हाजिर होंगे। बने रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।